the Emmy winners. And this book is available for a purchase of 100 rupees right outside the auditorium after. Okay. कर्नल वाइस चांसलर साहब, जिनको सबसे पहले मैं सलूट करता हूं, हिंदुस्तान के, फिर हिंदुस्तान नरेंद्र मोदी जी ने जिन्होंने उनके अच्छे काम को देख करके बहुत बड़े पद से नवाजा है। ये पद मातृभूमि की जो सेवा करता है, राजनीति से अलग किसी किसी को मिलता है, उनको मैं सलूट करता हूं। मैं उस गुजरात की धरती पे आया हूं जिस गुजरात की धरती ने दुनिया के अंदर एक अपना मुकाम बनाया है, एक अपना इतिहास बनाया है। पूरे देश में घूमता हूं, आतंकवाद की लड़ाई बचपन से शुरू हो चुकी थी, हर तरह के लोग, हर तरह की राजनीतिक पॉलिटिकल पार्टियों को देखा है। अब पहले मैं बंद कमरों में रोया करता था, हमने कहा इतने बम खाए, इतनी गोलियां खाई, जवान शहीद हुए, देखते देखते मेरे सामने जवानों की शरीर के टुकड़े टुकड़े हो गए, बंदूकों के टुकड़े टुकड़े हो गए, इतने जवान शहीद हो रहे हैं, बहनों के सुहाग रोज उजड़ रहे हैं, क्या हमें मंजर मिलेगी? फिर अपने आप को हम कहते थे मंजर मिले ना मिले अपने कर्तव्य को जरूर पूरा करना, उम्मीद नहीं थी हमें मंजर मिलेगी। सर्जिकल ऑपरेशन हुआ, बड़े चर्चे हुए, हमारे घर में कुछ के धोखे के साथ हमारे 18 जवानों को शहीद कर दिया, ऐलान किया 10 दिन के अंदर अंदर हम इसका जवाब देंगे। हमारे वो जवान मौत का कफन बांध करके पाकिस्तान में गए और पाकिस्तान में घुस करके 18 जवानों का बदला 45 आतंकवादियों को ठोक करके, ढेर करके, छाननी छाननी शरीर करके जिंदा शहीद की तरह वापस आ गए। अरे मरने से देश के लिए कौन मना करता है भाई? जवान रोज मौत का कफन बांधते हैं, जब जवान अपने पिता, अपनी माता, अपनी पत्नी, अपने बच्चों के सामने मौत का कफन बांध करके, छुट्टी काट करके, जब फिर मातृभूमि की सीमाओं की रक्षा करने के लिए जाता है, उसकी आंखें नम होती है, उसको पता होता है हो सकता है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाइयों के तिरंगे झंडे में खून से लथपथ फिर मेरी बच्चों, मेरी पत्नी, मेरे मां बाप के सामने मेरी बॉडी आएगी। वो जवान मिशन कह दिया, इस मातृभूमि की सेवाओं की आजादी की रक्षा करते हुए शहीद होना है तो होना है, ये मेरा वचन है। और वो जवान वही जो आंखें नम होके जाता है 10 दिन के बाद हिंदुस्तान की वो तिरंगे झंडे में खून से लथपथ डेड बॉडी उनके बच्चों के सामने आती है, वो है जवान, वो है भगत सिंह, वो है राजगुरु सुखदेव, वो जलियांवाला बाग के शहीद चंद्रशेखर आजाद, मंगल पांडे, इत्तेफाकुल्ला खान, बिस्मिल्ला खान, जिसने कहा था अगर हमारे धर्म के अंदर दोबारा जीवन लेने का को प्रावधान हो तो फांसी के फंदे को चूमने के वक्त कहा था मैं बार बार फांसी का रास्ता चूमू और बार बार इस मातृभूमि पे जन्म लू। वो आंदोलनकारी, वो देशभक्त, देशभक्त। हम इतने बम खाए, गोलियां खाए, हम कहते हैं
बार बार मर करके फिर इस मातृभूमि पे हम जन्म ले ले, इस मातृभूमि का कर्जा हम उठा ही नहीं सकते, उसको दे ही नहीं सकते। वो मातृभूमि है, मातृभूमि पे एहसान देशभक्ति। Mr. M.S. Gupta ji, thank you for accepting this memento. Kekul ji, Millennium School ke trustee hain. Kekul ji ka bhi